कक्षा 11वीं में हम लोग 1991 से जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में दो बहुत छोटे टॉपिक हैं, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। निजीकरण जिसको कि प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है और वैश्वीकरण जिसको कि ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निजीकरण को। इसके पहले जो है हम लोगों ने उदारीकरण या लिबरलाइजेशन को देखा था, ये उसी का दूसरा भाग है। जो आर्थिक सुधार लागू किए गए उसके तीन भाग थे, एक तो उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। तो निजीकरण क्या होता है कि 1991 के पहले सरकार की जो नीति थी वो केवल सार्वजनिक उपक्रमों को बढ़ावा देने की थी, ताकि क्षेत्रीय समानता लाई जा सके और आम जनता को उसका लाभ मिल सके। निजी क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन 1991 में प्रतिबंधों को हटा दिया गया था। तो निजीकरण क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नई आर्थिक नीति की एक विशेषता यह है कि इसके कारण से निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ और प्रारंभ में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया गया। परंतु नए आर्थिक सुधार में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास न करने तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की नीति को स्वीकार किया गया। उसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे वो लगातार असफल होते जा रहे थे, क्योंकि उन पर सरकारी दबाव बहुत ज़्यादा होता था, लाल फीताशाही होती थी जिसको कि रेड टेपिज्म बोलते हैं, और इसलिए सार्वजनिक उपक्रम जो है लगातार घाटे में जा रहे थे। इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि सार्वजनिक उपक्रमों को ज़्यादा प्रोत्साहन न दिया जाए परंतु निजी क्षेत्र को ज़्यादा भागीदारी दी जाए, और इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के लिए जो सुरक्षित 17 उद्योग थे उनको घटाकर केवल 6 कर दिया गया। और इस प्रकार अब लोहा, इस्पात, ऊर्जा, हवाई यातायात आदि कई उद्योगों में निजी क्षेत्र अपनी इकाइयाँ स्थापित कर सकते थे, उस समय ये किया गया। छठी योजना के अंत तक देश में किए जाने वाले कुल निवेश में सार्वजनिक व्यय का भाग निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक था। 8वीं योजना में इसको कम करके केवल 45% कर दिया गया और 8वीं योजना में निजी निवेश को बढ़ाकर 55% कर दिया गया। ये भी तय किया गया नई नीति में कि सार्वजनिक क्षेत्र की वर्तमान इकाइयों के शेयर निजी क्षेत्रों को बेचे जाएंगे, और इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी। चौथा बिंदु इसमें था कि भारत में निजी क्षेत्र के औद्योगिक निवेश का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं से आता है, उनकी सहायता से ही सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के में आते हैं पैसे। तो अब तक ये संस्थाएं नई योजनाओं के लिए ऋण देते समय अनिवार्य रूप से परिवर्तनीयता संबंधी धारा को शामिल करती रही है। इससे उन्हें यह विकल्प मिलता रहा है कि वे ऋण को शेयर पूंजी में बदल सकती हैं। तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए ये चार मुख्य कदम उठाए गए। उठाए तो बहुत कदम, लेकिन हमारे अध्याय में हमको चार बातों को देखना था। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें हम लोग आते हैं, जिसको कि कहा गया वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। नई आर्थिक नीति की एक मुख्य विशेषता अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन करना या उसका वैश्वीकरण करना या उसको अधिक खुलापन प्रदान करना है। प्रश्न ये उठता है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था का विकसित औद्योगिक देशों के साथ उत्पादन, व्यापार तथा वित्तीय मामलों में संबंध स्थापित हो जाना है। और सामान्य भाषा में कहें तो विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, उन पर से जो लगे हुए प्रतिबंध थे उनको हटा देना, उनको हमारे देश में आमंत्रित करना कि आप यहाँ आइए, अपनी पूंजी लगाइए, उद्योग लगाइए, जिससे कि हमारे देश को फायदा हो सके, पूंजी निवेश बढ़ सके, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिल सके, जिससे
जो आधारभूत संरचना है उसका विकास हो सके। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वैश्वीकरण को हमारे देश ने सन 1991 में अपनाया। 1991 की नई आर्थिक नीति लागू होने के पहले विदेशी पूंजीपति भारत में केवल 40% तक ही निवेश कर सकते थे। प्रतिबंध थे, बहुत कड़े प्रतिबंध थे और बहुत ज़्यादा प्रतिबंध थे। विदेशी कंपनियां हमारे देश में पैसा लगा सकती थीं, लेकिन 40% पूंजी का ही निवेश कर सकती थी, तथा विदेशी निवेश के प्रत्येक मामले में अलग से स्वीकृति की जरूरत होती थी। लेकिन 1991 के बाद इसमें ढील दी गई और अब विदेशी कंपनियां 51% तक निवेश कर सकते हैं और इसकी अनुमति जो है उनको बहुत आसानी से मिल जाती है, स्वतः ही मिल जाती है। विश्व वैश्वीकरण का दूसरा बिंदु था जो विनिमय दर का समायोजन करने के लिए सरकार ने 1991 में रुपए का औसतन 20% अवमूल्यन कर दिया और इसका उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना, पूंजी के अंतः प्रवाह की गति को तीव्र करना था ताकि विदेशी पैसा हमारे देश में आ सके और निर्यात बढ़ सके, और जब निर्यात बढ़ेगा तभी हमारे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। 1992-93 के बजट में निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता कर दी गई थी। चौथा बिंदु है, 1991 में नई विदेश व्यापार नीति दीर्घकाल अर्थात 5 वर्ष के लिए घोषित की गई। इस नीति की मुख्य विशेषता इसकी उदारता है। इस नीति में व्यापार में लगे सभी नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटा दिया गया, खुली प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया और उसके लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं थीं उनको प्रदान किया गया। अब कुछ विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर किसी भी वस्तु का आयात निर्यात किया जा सकता है। 1991 के पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी और बहुत सारी चीज़ों में और प्रतिबंध भी लगा हुआ था। सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदी या बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या भी सीमित करके अब सभी को व्यापार के समान अवसर दिए गए हैं। और इस नीति की एक विशेषता ये है कि प्रशासनिक नियंत्रण जो है उसको न्यूनतम कर दिया गया। पांचवी बात थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगिता बनाने के लिए सीमा शुल्क और टैरिफों को भी धीरे धीरे कम कर दिया गया। पहले बहुत ज़्यादा थे, सीमा शुल्क बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, अब उसको कम कर दिया गया। अर्थव्यवस्था के खुलेपन का विस्तार करने के लिए विदेशी निवेश तथा आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित किया गया और भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए भी कई कदम उठाए गए। हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हमारे देश का आयात बहुत ज़्यादा था, निर्यात कम था, जिसके कारण, और भुगतान तो चूंकि विदेशी मुद्रा में की जाती है इसलिए भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो उसके घाटे को पूरा करने के लिए भी कई कदम उठाए गए और निर्यातों को प्रोत्साहित किया गया और संसार के विदेशी व्यापार में भारत के हिस्से को बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयत्न किए गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 बातों को देखा, जिसको एलपीजी के नाम से मशहूर है। ये एलपीजी के 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग घरों में गैस सिलेंडर उपयोग करते हैं तो उसमें जो गैस भरी जाती है उसको भी एलपीजी कहा जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत ये देखे कि एलपीजी का मतलब होता है एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। तो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने पर आप कंफ्यूज ना हो, आपको यही उत्तर लिखना है कि निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये लिखना है एलपीजी के फुल फॉर्म में। तो इस प्रकार से इन तीनों मुख्य बातों का हम लोगों ने अध्ययन किया और आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आर्थिक सुधारों के क्या प्रभाव पड़े, उसके प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या पड़े, और उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे, नई आर्थिक नीति के लाभ और दोष को भी हम लोग देखेंगे।